दिग्गज भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को संन्यास लिए कई साल बीत गए, लेकिन मौजूदा समय में जब भी भारतीय क्रिकेट के लिए कोई बड़ा दिन होता है तो चाहे अनचाहे धोनी का जिक्र जरूर आ जाता है। अब गुरुवार को एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही धोनी के एक ट्वीट का जिक्र आया। वैसे तो धोनी सोशल मीडिया पर बहुत कम ही एक्टिव दिखते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड पर जीत के बाद धोनी का 10 साल पुराना ट्वीट फिर से वायरल हो रहा है। बात 9 अप्रैल 2013 की है, तब धोनी ने रविंद्र जडेजा को लेकर एक ट्वीट किया था। जी हां, टीम इंडिया के सुपरस्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जिन्हें प्यार से जड्डू या फिर सर जडेजा भी कहा जाता है। खास बात ये भी है कि धोनी ने ही जडेजा को सर जडेजा कहकर बुलाना शुरू किया था। धोनी ने वायरल ट्वीट में लिखा, सर जडेजा कैच लेने के लिए दौड़ते नहीं है, बल्कि बॉल उन्हें ढूंढ लेती है और उनके हाथों में आकर गिर जाती है। अब धोनी की कही ये बात क्यों वायरल हो रहा है ये भी जान लीजिए। इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। जडेजा ने मैच में एक के बाद एक 3 कैचेस लिए थे। खास बात ये भी है कि ये तीनों कैच उन्होंने फील्ड के अलग अलग हिस्सों में लिया था। दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 397 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 327 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। हालांकि मैच में कुछ ऐसे भी पल आए जहां न्यूजीलैंड भारतीय टीम पर हावी दिखी थी। दूसरे विकेट के लिए केन विलियमसन और डेरिल मिशेल ने एक बड़ी साझेदारी की, लेकिन मोहम्मद शमी ने 33वें ओवर में केन को आउट कर भारत की वापसी कराई। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और मिशेल के बीच एक साझेदारी पनपने लगी थी, लेकिन 43वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की बॉल पर ग्लेन ने चिप किया और वो बॉल सीधे लॉन्ग ऑफ पर खड़े जडेजा के हाथों में आ गिरी। जडेजा को इस कैच के लिए ज्यादा मूवमेंट भी नहीं करना पड़ा। इसके बाद अगले ही ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर चैपमैन ने स्लॉग स्वीप खेला। इस बार जडेजा डीप स्क्वायर लेग पर खड़े थे, बॉल सीधे आकर उनके हाथों से चिपक गई। और फिर 46वें ओवर में एक बार फिर गेंद ने जडेजा को ढूंढ निकाला। इस बार बॉल शमी के हाथों में थी और स्ट्राइक पर डेरिल मिशेल थे। इस मैच में मिशेल ने न्यूजीलैंड खेमे से सबसे शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 119 गेंदों में 134 रनों की पारी खेली, लेकिन 46वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शमी की बॉल को फ्लिक किया। ये बॉल भी डीप मिड विकेट पर खड़े जडेजा के सुरक्षित हाथों तक पहुंच गई। ऐसे में जडेजा को लेकर की गई धोनी की भविष्यवाणी के खूब चर्चे होने लगे। बता दें कि वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहे मैच के विजेता के साथ खेलेगी। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।